संभाली है इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद ने। देश मातृका के रक्षा करते जेसब वीर जवान निजे प्राण बलिदान करेछेन सेई सब वीर शहीद सर्वदा देशवासीर काछे अमर थाकबेन। ताई आज देहरादूने आईटीबीपी वीर शहीददेर प्रति श्रद्धा जानाते एक बिराट अनुष्ठान अनुष्ठित हय। देश मातृका एवं देशवासीके रक्षा करते दिनरात काज करा सैनिकदेर आजकेर प्रदर्शनी छिल खुबई व्यतिक्रमी। आईटीबीपीर अश्व प्रदर्शनी एवं खेलोयाड़देर शोभायात्राय मन भरे जाय दर्शकदेर। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তিনিও শহীদদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। विश्वास से भरा यह पर्वतारोहियों का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट शिवेंद्र सिंह की कमान में। और मंच के ठीक सामने आईटीबीपी का स्वान दस्ता, इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार। मंच के सामने से गुजरता आईटीबीपी का माउंटेड कॉलम डेप्टी कमांडेंट चारुशीला की कमान में, पूरी तरह से सजे धजे अश्व और अश्वारोही, इनका खूबसूरत अंदाज देखते ही बनता है। और अंत में हमें गर्व का अनुभव कराते हमारे हिंदी, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में बल और देश का नाम रोशन किया है। नेतृत्व कर रहे हैं सेकंड इन कमांड अमित छेत्री, और इनके ठीक पीछे चुनौतियों को हर पल आंख दिखाते बल के कुशल पर्वतारोही कमांडेंट रतन सिंह सोनल की कमान में, मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है ये आंखें। इन्हीं पंक्तियों के भावों को अपने हृदय में लिए बल के हिमवीर भारी बर्फबारी कम ऑक्सीजन उफनते नदी नालों और जंगलों के बीच लगातार सुरक्षा कार्यों में लगे रहते हैं। मुश्किल हालातों में आईटीबीपी के जवानों का जोश देखते ही बनता है। आपदा के समय में भी हमारे जवान पीड़ित जनता की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी हाँ, संकल्प की टंकार हम, रणभूमि की ललकार हम, अजय हम, हिमवीर स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।